कहते हैं सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ करीब परिवार की करीना ने कर दिखाया है। करीना के पिता कोटा में कोचिंग संस्थान के बाहर जूस की रेहड़ी लगाते हैं। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। सोचा था आपने इस तरह का कि बेटा ऐसा करेगी, और आपकी किस तरह से इसको सपोर्ट रहा? मेरी हर तरह से सपोर्ट थी कि, और आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है, वो तो सबसे मेन है। और जैसे मैंने पहले से भी, जैसे ही मैं यहाँ आई थी तभी से मैंने सपना देखा था, जैसे यहाँ कोचिंग देखती थी ना तो मेरे को लगता था कि मेरी बेटी भी यहाँ आकर पढ़े, और वो सपना पूरा ही हुआ। मतलब मम्मी पापा को विश्वास है कि हाँ कर लेगी, और जब यहाँ पर मैं आई थी उनको, वो मुझे लेकर आए तो उनको पता था कि मैं कर लूँगी, और फिर इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि हाँ कर लेगी कर लेगी, तो फिर मैंने भी सोचा कि ट्राई करने में क्या जा रहा है, तो इसलिए कितने घंटे आप पढ़ते थे? मैं डेली 8 घंटे का रूटीन रखती थी कोचिंग के अलावा, कि मैं 8 घंटे पढ़ सकूँ। सेल्फ स्टडी मेरी 8 घंटे की होती थी। उनकी बेटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई मेंस एग्जाम में 4,336वीं रैंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया है। और पास में कोचिंग था सर, तो सबको देखा पड़ रहा है बच्चे, तो हम भी भर्ती कर दिए सर। अच्छा, कब कब किया आपने भर्ती? अब ये कोरोना के बाद ही भर्ती हुआ है सर। 2022? 2022। अच्छा, अब कैसा लग रहा है कि बच्ची पढ़ करके इंजीनियर बनने जा रही है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। और बच्चों को भी आप इसी तरह से पढ़ा रहे हैं? और बड़े पढ़ा रहे हैं ना सर? पढ़ा रहे हैं सर। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बच्चा, गरीब से गरीब माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा भी पढ़े लिखे और डॉक्टर इंजीनियर बने। फीस को लेकर के किस तरह की दिक्कतें आई और किस तरह से आपने उनको एडजस्ट किया? फीस के लेकर के सर दिक्कतें आई थी तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से लेके उधार वगैरह लेकर के हमने कराया था, भाई काम करके भी उधारी चुकानी पड़ती है। करीना की इस कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी बेटी ने ना सिर्फ उनका बल्कि जिले का भी मान बढ़ाया है। पढ़ने के लिए तो हम लोग कोई उसको फोर्स नहीं करते, वो अपने आप पढ़ लेती है, और देखभाल के लिए सब करते हैं। क्या जैसे इनके खाने पीने की आदत, कितने घंटे पढ़ते हैं? ये तो 10-11 बजे तक पढ़ती है रात में, सुबह भी उठ के पढ़ती है, जल्दी उठ जाती है 6 बजे। करीना की कामयाबी कई लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि ये सब उनके लिए सपने जैसा है। बच्ची आई, टेस्ट दिया, उसने 25% स्कॉलरशिप उस टाइम पे भी उसको मिला, तो ये तो हमें समझ में आ गया था कि बच्ची टैलेंटेड है। हमने फीस में जितना, मैंने शिव शक्ति सर से बात की है तो उन्होंने जितना रिलेक्सेशन उसको दिया, तो हमने पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चे को, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा। नेक्स्ट ईयर भी जब सेकेंड ईयर में 12th में वो आई तो उसने बहुत अच्छा मेहनत किया एंड अच्छे मार्क्स लेकर के आई। करीना ने ना सिर्फ अपने जेईई मेंस का, अपने माँ बाप का नाम बहुत ऊँचा किया, इनफैक्ट उसने कोटा के लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, जहाँ पर देश भर के इतने सारे बच्चे आते हैं, पूरी अपनी पूरे 1-2 साल बैठ के पढ़ाई करते हैं। बट शी हैज सेट एन एग्जाम्पल कि कैसे एक फोकस तरीके से, एक फोकस्ड अप्रोच से, एक सीमित संसाधनों के साथ भी किस तरह से तैयारी की जाती है। फिलहाल करीना को 12वीं क्लास के CBSE बोर्ड के नतीजों का इंतजार है। इसके साथ ही वो JEE एडवांस्ड की तैयारी में भी जुट गई हैं।